live classes. Today we will start our next topic, capillarity. तो स्टूडेंट कैपिलरिटी को समझने से पहले हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं कि आखिर हमारा कैपिलरिटी होता क्या है, आखिर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि वाटर अगर हम लीव्स मैन की सोइल में डालते हैं तो जो पेड़ की सबसे ऊपर वाली लीव्स है वो भी आपकी ग्रीन रहती है, वो भी आपकी हरी रहती है, तो इसका मतलब वहां पर भी आपका वाटर पहुंच रहा है। और यू नो एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटी अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो व्हाई वाटर राइज अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड यू सी दैट if you taking a capillary, a small tube, if you take a capillary and you dipped in a liquid, then the water will be rise in the capillary. Then what is the reason behind this? Why it happens so in capillary and in the other phenomena also? And we also see that if we take a mercury and a capillary is dipped in a mercury, then mercury will fall down. तो what is the reason behind this कि water हमारा against the gravity आपका ऊपर चला जाता है, आपको against the gravity आपका rise हो जाता है और mercury आपका down हो जाता है। तो ये phenomena आपको discuss करने हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो पत्तियां हमारी सबसे ऊपर वाली हरी रहती हैं, it means आपका water वहां तक पहुंच रहा है, water वहां तक आपका जा रहा है। What is the रीजन बिहाइंड दिस, हमें इस बारे में समझना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कैपिलरी देख लेते हैं, हमारी कैपिलरी क्या होती है, व्हाट इज कैपिलरी। तो स्टूडेंट अ ट्यूब हैविंग वेरी स्मॉल बोर, हैविंग वेरी स्मॉल बोर is called capillary। एक हमारी ट्यूब होती है, केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा, एक हमारी ट्यूब होती है जिसमें एक स्मॉल बोर होता है, तो उसको कैपिलरी बोलते हैं। नाउ अब हमें बात करनी है व्हाट इज द कैपिलरिटी, हमारा कैपिलरिटी क्या होता है। तो कैपिलरिटी आपका एक एक्शन है, एक प्रिंसिपल है कैपिलरी का, जिसको हम कैपिलरिटी बोलते हैं। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, सपोज इफ यू टेक अ कंटेनर, दिस इज अ कंटेनर एंड वाटर इसमें आपका फिल है, ये आपका वाटर इसमें फिलअप किया हुआ है। Now, we take a capillary and we dipped in the liquid. That is capillary. ये आपका water, capillary. So student, when we dipped a capillary in a water, then water will be rise up in the capillary. Water आपका, ये आपका rise up हो जाएगा, ये वाटर आपका यहां पे राइज अप हो, राइट। और ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो वाटर की हमारी शेप बनेगी वो हमारी इस टाइप से बनेगी, कॉनकेव हमारी शेप बनती है, ये हमने एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट में डिस्कस किया था। इफ वी डिप अ कैपिलरी इन अ कंटेनर ऑफ वाटर, देन द वाटर विल बी राइज अप एंड द शेप विल बी कॉनकेव, there is also concave shape and concave shape, the water will be rise up in the capillary, it is called capillarity, that is capillary
और जो इसका एक्शन है, जिसका फिनोमिना है, वो हमारा कैपिलैरिटी होता है। अगर हम कैपिलरी को मरकरी के अंदर डिप करते हैं तो आपका मरकरी फॉल डाउन हो जाता है, और जो मरकरी आपकी शेप लेगी दैट इज द कॉन्वेक्स शेप। सो व्हेन अ कैपिलरी, हम फिनोमिना इसका लिख लेते हैं एक बार, व्हेन अ कैपिलरी इज डिप्ड इन अ लिक्विड, इज डिप्ड इन liquid, the height of liquid inside capillary, rise slash dip। या तो लिक्विड आपका राइज अप करेगा या आपका लिक्विड डिप करेगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। व्हेन अ कैपिलरी इज डिप्ड इन अ लिक्विड द हाइट ऑफ द लिक्विड इनसाइड कैपिलरी राइज एंड डिप, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। तो अगर आपका हाइट आपकी राइज होती है, आपकी राइट कम होती है, डिप होती है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैपिलैरिटी। तो स्टूडेंट बेसिकली अब हमको ये समझना है कि व्हाई इट हैपन्स कि हमारा लिक्विड राइज अप होता है और हमारा लिक्विड डिप होता है, ऐसा क्यों होता है। हमारा जो लिक्विड है अगेंस्ट द ग्रेविटी आपका राइज क्यों होता है, हमें इस बारे में समझना है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। सपोज दिस इज द कंटेनर ऑफ वाटर एंड कैपिलैरिटी, और ये आपका वाटर, नाउ स्टूडेंट लिक्विड विल बी राइज अप इन द कैपिलरी, कैपिलरी में आपका राइज हो गया, यहां तक नहीं दूंगा सपोज, राइट, और ये आपके बन गए कॉनकेव शेप, दैट इज द कॉनकेव शेप, राइट। अब हमको एक चीज समझनी है कि आखिर हमारा वाटर राइज अप क्यों हुआ कैपिलरी में अगेंस्ट द ग्रेविटी। स्टूडेंट अगर हम बात करें एक्सिस प्रेशर इन अ ड्रॉप और एक्सिस प्रेशर इन अ बबल, तो हमने उसमें एक चीज डिस्कस की थी। सपोज दिस इज अ ड्रॉप, राइट। तो स्टूडेंट अगर हम ड्रॉप की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारा बाहर से प्रेशर लगता है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो हमारा बाहर से एक रेन ड्रॉप पर लगता है। लेकिन होता क्या स्टूडेंट कि जब वो मॉलिक्यूल्स आपके पास पास आ जाते हैं तो वो एक दूसरे पर फिर फोर्स लगाते हैं। तो जब फोर्स लगाते हैं और जो एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं तो उससे हमारा मिलकर बनता है प्रेशर। तो ये जो रेन ड्रॉप है बाहर से प्रेशर लग रहा है और अंदर से प्रेशर आपका कंटिन्यूसली लग रहा है, तो होगा क्या, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो फोर्स है आपका इनसाइड और आउटसाइड वो तो हो जाएगा आपका इक्वल, फोर्स आपका इक्वल हो जाएगा, लेकिन जो आपका प्रेशर है प्रेशर आपका इनसाइड में ज्यादा होगा और आउटसाइड में आपका प्रेशर कम होगा, तभी आपकी ड्रॉप बनी है। तो जो एक्सिस प्रेशर वो आपका कहां पर होगा स्टूडेंट, इनसाइड में, इनसाइड। अगर हम रेन ड्रॉप की बात करें या बबल की बात करें, एयर बबल की बात करें, तो जो बबल बनता है आपका या ड्रॉप बनती है तो जो बाहर का प्रेशर है वो ऑलवेज लेस देन होता है इनसाइड प्रेशर से, क्योंकि तभी आपकी रेन ड्रॉप बनी है। अगर इनसाइड प्रेशर ज्यादा ना हो और बाहर का प्रेशर ज्यादा हो तो आपकी ड्रॉप बनेगी ही नहीं, इसलिए हमारा जो एक्सिस प्रेशर होता है इनसाइड का ज्यादा होता है। अब स्टूडेंट एक चीज देखिए, अगर हम इनसाइड की बात करें, ये जो सरफेस है हमारी अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो ये सरफेस हमें लगती है कॉनकेव,
और जो बाहर की सरफेस है, अगर हम बाहर की सरफेस देखें, दैट सरफेस इज कॉन्वेक्स. इट मींस प्रेशर ऑलवेज लार्ज इन कॉन्केव साइड एंड प्रेशर ऑलवेज लेस इन कॉन्वेक्स साइड. राइट स्टूडेंट? नाउ वी कम टू दिस पॉइंट. इफ यू टेकिंग अ पॉइंट ए इज हेयर एंड पॉइंट बी इज हेयर, राइट, द एटमोस्फेरिक प्रेशर, विच इज वन एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है 1 atm. तो जो पूरा लिक्विड है आपका, इस पूरे लिक्विड पे आपका इस समय 1 atmospheric प्रेशर आपका लगा हुआ है. ये आपका 1 लगा हुआ है, 1 atm, 1 atmospheric प्रेशर. ये आपका 1 atm लगा हुआ है यहाँ पे, राइट, और यहां पर भी आपका ये 1 atm लगा हुआ है, राइट. तो फिर ये वाटर आपका ऊपर कैसे रेज हो गया जब तीनों को हमारा प्रेशर इक्वल है? तो स्टूडेंट देखिए, ये कॉनकेव साइड है आपकी, ये वाली कॉनकेव साइड है और ये आपकी कॉन्वेक्स साइड है. तो जो प्रेशर है, जो प्रेशर है आपका, वो ए साइड में ज्यादा होगा कि बी साइड में ज्यादा होगा? तो प्रेशर आपका ए साइड में ज्यादा होगा और बी साइड में प्रेशर आपका कम होगा. अब स्टूडेंट, जो आपका बी साइड में प्रेशर है वो 1 के कंपैरिजन में कितना कम है, ये हम पढ़ चुके हैं. एक्सिस प्रेशर की अगर हम बात करें किसी ड्रॉप की, तो हमारा 2s/r होता है, 2s/r, वेयर एस इज द सरफेस टेंशन. तो अगर हम बी की बात करते हैं, बी, तो ए में हमारा कितना प्रेशर है? 1, राइट. बी में जो प्रेशर है आपका वो 1 के मुकाबले 2s/r आपका कम है, राइट, लेकिन प्रेशर कितना लग रहा है? 1 atmospheric प्रेशर. तो हमें 1 ही वो पूरा करना है. अब ये जो प्रेशर हमारा कम हुआ, इसको कंपेंसेट करने के लिए, इसको कंपेंसेट करने के लिए जो आपका लिक्विड राइज हुआ एच हाइट तक, इसका प्रेशर हम ऐड कर देंगे एच रो जी, क्योंकि हमें इसको कंपेंसेट करना है जो हमारा प्रेशर कम हुआ है. और फिर दोबारा बन जाएगा कितना आपका? 1, क्योंकि हमें 1 ही पूरा करना है, राइट. एक बार दोबारा समझिए आप कि 1 atmospheric प्रेशर आपका हर पॉइंट पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारा बी है वो 1 के कम, ए के कंपैरिजन में 1 में से 2s/r कम है. 1 तो है लेकिन उसमें 2s/r बी में, बी पर हमारा कम है, लेकिन हमको 1 atm अभी पूरा करना है. तो उसको कंपेंसेट करने के लिए एच रोजी जितना वाटर आपका ऊपर चढ़ा है वो प्रेशर हमारा यहां पर ऐड हो जाएगा. तो टोटल प्रेशर हमारा दोबारा से कितना बन गया? 1. तो 1 से 1 आपका कैंसिल. इट मींस एच रो जी इक्वल टू 2s/r. इट मींस कि जो आपका एक्सिस प्रेशर है 2s/r, वो हमारा उस प्रेशर के इक्वल होता है जितना लिक्विड आपका राइज अप हुआ है. ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एक्सिस प्रेशर हमने सोल्व किया है किसी पर्टिकुलर ड्रॉप के लिए या किसी पर्टिकुलर बबल के लिए, वो प्रेशर हमारा उस प्रेशर के इक्वल होता है जो लिक्विड हमारा राइज अप करता है एच हाइट पर. तो एच रो जी इक्वल टू हो गया 2s/r. यहां से हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, एच इक्वल टू 2s/r रो जी, 2s/r रो जी. तो अगर हमें लिक्विड में हाइट मेजर करनी है कि हमारी कितनी हाइट तक उस कैपिलरी में वाटर आपका राइज अप करेगा या मरकरी आपके फॉल डाउन करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन दिस 2s/r rho g, where g will be the same for both the condition, चाहे आप वाटर की बात करें और आप मरकरी की बात करें. When we talking about rho, rho means density, rho density,
अगर आपकी डेंसिटी कम है, लेस है, तो आपका वाटर ज्यादा राइज अप करेगा, लिक्विड ज्यादा राइज अप करेगा। लेकिन अगर आपकी डेंसिटी ज्यादा है, जैसे मरकरी की डेंसिटी आपकी मोर होती है, तो आपका लिक्विड डिप कर जाएगा, उसकी हाइट कम होगी। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आर रेडियस। एंड व्हाट इज द रेडियस? रेडियस ऑफ द कैपिलरी, रेडियस ऑफ द कैपिलरी। इफ इट मींस इफ आर इज स्मॉल, रेडियस इज स्मॉल, देन द वाटर विल बी राइज अ मोर हाइट। तो जो वाटर आपका राइज करेगा वो ज्यादा हाइट यानी कि मोर हाइट आपकी देगा। लेकिन अगर आपकी रेडियस लार्ज है तो वाटर आपका डिप कर जाएगा, उसकी हाइट हमारी कम होगी। ये डिपेंड करेगा आपका आर पर। हमेशा वाटर राइज अप होने के लिए आपका आर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आर को ज्यादा बड़ा कर दिया, तो वाटर के वेट के कारण जो हमारी सरफेस टेंशन लगेगी वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगी और वाटर आपका नीचे की साइड आ जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो आर है वो आपका स्मॉल होना चाहिए। गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला, अभी हमने डिस्कस किया कि हाइट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें हम 2s / r इक्वल टू h rho g हमारा आता है और हम वहां से हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपका एक्सिस प्रेशर है वो हमारा उस प्रेशर के इक्वल है जितना वाटर आपका किसी कैपिलरी में राइज अप करता है या आपका डिप करता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन द केस ऑफ कैपिलरी और ये आपका एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। You see that this is the capillary and that is the water and water will be rise up, right? ये water आपका यहाँ पे rise up हो गया। Right? अब हम इसको थोड़ा सा और explain करने के लिए इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं। अभी काफी स्मॉल बना हुआ है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। द वाटर विल बी राइज अप इन द लिक्विड एंड द शेप ऑफ लाइक दिस कॉनकेव ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो आपकी सरफेस टेंशन है वो हमारी ग्लास सरफेस और जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इन पर लगती है। अब आप देखिए जो आपका लिक्विड है या जो आपका कैपिलरी है उसमें जो वाटर है ऊपर की तरफ जो राइज हो रहा है और जो आपकी कॉनकेव शेप बनी है, ये कॉनकेव शेप क्यों बनी है, ये वाली कॉनकेव शेप, तो इसके हर पार्ट पर आपका जो है सरफेस टेंशन लगता है। जो आप देखिए जरा ये सरफेस, यहां पर सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अगर आप ऊपर की साइड से देखें तो हर पार्ट पर आपका जो है सरफेस टेंशन लगी है और जो वो आपका पूरा जो सरफेस टेंशन लग रहा है जितने हमारे पार्ट पर लग रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे पेरीमीटर। जो आपका सरफेस टेंशन लगा हुआ है, जो यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन लग रहा है, ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ये जस्ट लाइक दिस, ये वाला है कॉनकेव शेप। तो वो कॉनकेव शेप हमारा पूरे पे लग रहा है, आप चारों तरफ से आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, चारों तरफ से, इधर से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, चारों तरफ से हमारा पूरा ऊपर उठ कैसे आ रहा है। तो यानी कि जो सरफेस टेंशन है वो हर पार्ट पर हमारी लग रही है, राइट? तो जो हमारी सरफेस टेंशन है, ये जो हमारा फोर्स है, जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन पर लग रहा है, वो कितने पार्ट पर लग रहा है वो लिखिए। सबसे पहले फोर्स एक्टिंग
due to surface tension, force acting due to surface tension. Surface tension है कारण जो आपका force लग रहा है, that is S multiply. और वो जो लग रहा है वो लग रहा है 2 पाई r. यानी कि जो आपका सर्कल है उसके जो पैरामीटर है पूरे पे आपका सरफेस टेंशन लगा हुआ है s मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r. इस 2 पाई r पे फोर्स लग रहा है पूरे पे सरफेस टेंशन, केवल एक पार्ट पे फोर्स नहीं लग रहा, राइट right? अभी जो आपका एंगल बना है दैट इज एंगल थीटा, दैट इज एंगल थीटा. अगर आप इसे कॉम्पोनेंट करें इसके तो आपका s cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में और एक आपका s cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, s sin थीटा और s sin थीटा जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि आपके इक्वल है और एंड अपवर्ड डायरेक्शन में है. लेकिन जो आपके s cos थीटा है क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपके एड अप हो जाएंगे. फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन. हाउ मेनी फोर्स? फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. सरफेस टेंशन एस कोस थीटा जो आपका वर्टिकल में लगा हुआ है मल्टीप्लाई कितनी लेंथ पर लग रहा है वो फोर्स, कितनी लेंथ पर वो टेंशन है, दैट इज द 2 पाई आर. इस 2 पाई आर कि आपने देखा होगा जो सरफेस है उस पर चारों तरफ से आपको लग रहा है तो यानी कि पूरा 2 पाई आर आपका कवर होगा. तो s cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, राइट. नाउ फोर्स डाउनवर्ड ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड. अगर आपका लिक्विड राइज अप होके एक पॉइंट पे आपका रेस्ट पर आ चुका है, इट मींस अगर आपका लिक्विड रेस्ट पर आ चुका है इट मींस कि एक फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एंड द सेकंड फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड बोथ द फोर्सेस आर इक्वल. तो फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन वी कैलकुलेट s cos थीटा मल्टीप्लाई 2 बाय r. फोर्स डाउनवर्ड ड्यू टू द कॉलम ऑफ द लिक्विड. ये जो कॉलम आपका बना है लिक्विड का, ये जो कॉलम बना है h हाइट तक का, इसके कारण कितना फोर्स हमारा डाउनवर्ड में होगा. वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स f इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट. व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर ड्यू टू द हाइट, सपोज दैट इज द height. What is the pressure? Pressure due to the height of the liquid equal to h rho g multiply by area and area pi r square, right? So student, first step इसको note कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. Now at equilibrium, क्योंकि हमारा लिक्विड रेस्ट कंडीशन पर आ चुका है तो हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे. एट इक्विलिब्रियम फोर्स अपवर्ड इक्वल टू फोर्स डाउनवर्ड. फोर्स अपवर्ड कितना है स्टूडेंट? एस कोस थीटा मल्टीप्लाई 2 पाई आर इक्वल टू फोर्स डाउनवर्ड एच रो जी मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, राइट. पाई से पाई कैंसिल एंड वन आर कैंसिल, तो h आपका आ चुका है 2s cos थीटा अपॉन r रो g. तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा हाइट का फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था वही हमारा हाइट का फॉर्मूला आया है 2s अपॉन r रो g, बट एक इसमें फैक्टर आया है cos थीटा.
यानी कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द केस ऑफ हाइट ऑफ द लिक्विड. जी विल बी सेम फॉर मर्करी एंड वाटर. डेंसिटी रो इट मीन डेंसिटी, डेंसिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स, सो हाइट विल बी डिफरेंट. एंड द रेडियस, रेडियस ऑफ द कैपिलरी, इफ रेडियस इज स्मॉल देन द हाइट विल बी लार्ज, एंड इफ रेडियस इज लार्ज देन द हाइट विल बी स्मॉल. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और h directly proportional to s, यानी कि सरफेस टेंशन आपका जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हाइट तक आपका लिक्विड जाएगा. तो स्टूडेंट अब तक हमने पढ़ा कि जो हमारी हाइट होती है कैपिलरी में लिक्विड के राइज करने के लिए, उसका फॉर्मूला हमारा ये आता है 2s cos थीटा / r rho g. और ये डिपेंड करता है हमारा r पर और आपका rho पर, और g तो हमारा सेम रहता है बोथ द लिक्विड्स, चाहे वो आपका मर्करी हो और आपका वाटर हो. सरफेस टेंशन जितनी आपकी ज्यादा होगी उतनी आपकी हाइट ज्यादा होगी. एक फैक्टर आपका आता है cos थीटा, थीटा विल बी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. इफ वी टॉकिंग अबाउट फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास, तो अगर हम वाटर लेते हैं और ग्लास लेते हैं और वाटर आपका प्योर होता है तो आपका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपका होता है 0 degree. तो अगर हम 0 degree रखें थीटा के देंगे तो cos 0 आपका होता है 1. तो अगर आपका cos 0 1 है तो आपका जो हाइट का फॉर्मूला आएगा दैट इज 2s / r rho g, जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया भी था. अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो हमारा हाइट है वो हमारा राइज अप होता है, और हम इसके अपने जो डेली लाइफ में हम इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं. आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि जो गणेश जी हैं अगर हम उनके आगे दूध रख दें, जो उनकी सूंड है अगर हम वहाँ पर लिक्विड रख देते हैं या आपका दूध रख देते हैं तो वो आपका पी जाते हैं, तो हम कहते हैं गणेश जी ने दूध पी लिया. लेकिन वो जो सारा प्रिंसिपल है वो आपका कैपिलैरिटी का प्रिंसिपल है कि आपकी जो रेडियस है वो आपकी स्मॉल होती है. दूसरा, जो वो सूंड बनती है आपकी उसमें जो आपके फाइन बोर बन जाते हैं जब उसको कैल्शियम की जो हम बनाते हैं, तो जो उसकी एक तो रेडियस स्मॉल होती है और दूसरा फाइन बोर बन जाते हैं कैपिलरी की तरह, जिस कारण से आपका लिक्विड राइज अप होता है. सेकंड, जैसे मैंने आपको लीव वाला एग्जांपल दिया था कि लीव आपका उसमें राइज अप कर जाता है. इफ यू टॉकिंग अबाउट चौक, चौक आपकी कैल्शियम की बनी हुई है, अगर हम इसमें भी लिक्विड को इसको लिक्विड डिप करें तो आपका लिक्विड राइज अप हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब हम इसको शेप करते हैं, इसको रब करते हैं, शेप करते हैं, तो इसके अंदर फाइन बोर बन जाती है जिसके कारण आपका लिक्विड राइज अप करता है. नाउ स्टूडेंट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो कि हम डेली लाइफ में देखते भी हैं, दैट इज द कैपिलरी ऑफ इनसफिशियंट हाइट. वी कंसिडर इफ यू टेक अ कैपिलरी एंड डिप्ड इन अ वाटर, then the water will be rises suppose 2 meter. suppose ये आपका 2 meter तक rise up हो गया capillary, इसकी limit 2 meter तक है. now student if we break the capillary at this point, यहां पर हमने break कर दिया capillary, then what happens? क्योंकि हमारा जो लिक्विड राइज अप करता है वो 2 meter तक करता है, हमने जो कैपिलरी ली है उसमें वाटर आपका 2 meter तक राइज अप करता है, और जो 2 meter तक आपका राइज अप करता है ये पूरा हमने उसको यहां से ब्रेक कर दिया, तो क्या अब वाटर आपका बाहर निकलेगा? क्या आपका फुहारे की तरह आपका वाटर बाहर आ जाएगा? आखिर हमारा यहां पर ऐसा क्या होगा? अगर आप सोचे कि वाटर हमारा बाहर आ जाएगा या वाटर हमारा फुहारे की तरह निकलेगा, तो वाटर को अगर फुहारे की तरह फ्लो होना है तो वहां पर हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वाटर आपको फुहारे की तरफ तभी फ्लो कर सकता है जब उसके पास एनर्जी हो, और यहां तो हमने कुछ एनर्जी वाटर को दी ही नहीं है, तो आपका वाटर फ्लो कैसे करेगा? अगर ऐसा होता है तो वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के वायलेशन में होगा, दैट इज इम्पॉसिबल. तो आखिर ऐसा क्या होगा कि अगर 1 meter यानी कि इसके हाफ अगर हम उसको ब्रेक कर दें कैपिलरी को, तो ऐसा यहां पर क्या होता है? तो स्टूडेंट यहां पर अगर हम ब्रेक कर दे कैपिलरी को 1 meter पर, तो जो आपका थीटा है वो आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. यानी वाटर और ग्लास सरफेस के लिए कि अगर ये हमारे जो फिनोमिना है
ये जो प्रिंसिपल है कि वाटर और ग्लास के बीच में जो आपका एंगल बनता है वो आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये आपका नेचर ने बनाया है। तो जो आपका सपोज जहां पर आपका एंगल जीरो है और जहां पर आपका एंगल मिलेगा इस बार 30 डिग्री, राइट। अब 30 डिग्री जब आप कर दोगे तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका कोस 30 है वो आपका कम हो जाएगा, हाइट आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जितनी की हाइट है कैपिलरी की उतने हाइट में आपका वाटर आएगा। सपोज आप इसको और नीचे से आप ब्रेक कर दें, यहाँ पे और नीचे से आपने यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो थीटा आपका अगेन चेंज हो जाएगा और आपका हाइट फिर दोबारा से चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपका थीटा विल बी चेंज ऑटोमेटिकली सो दैट लिक्विड विल नेवर फ्लो। आपका लिक्विड ना तो बाहर आएगा ना ही फुहारे की तरह आपका निकलेगा, क्योंकि हम ना तो उसको एनर्जी दे रहे हैं और एनर्जी के बिना वाटर आपको फुहारे में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इट मींस कि आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली चेंज होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका हाइट ऑफ द कैपिलरी या हाइट ऑफ द वाटर विल बी राइज इन द कैपिलरी या हाइट ऑफ द मरकरी विल फॉल डाउन इन द कैपिलरी विल बी चेंज ऑटोमेटिकली एंड द लिक्विड विल नेवर फ्लो।